ओके जी, कल हमने विद इन रन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन किया था, और उसमें ये फिर मैंने आपको एंड पे टेबल बताया था कि जी इसको आपने कैलकुलेशंस कर ली हैं अपने खुद ही या अभी नहीं की। किसी ने की है कैलकुलेशन? आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हेलो, जी सर, आ मेरी रही है आवाज आ बात। रही है आपको? अच्छा, कोई बोल नहीं ना रहा, मैंने कहा शायद। अच्छा, कल हमने ये विद इन रन एक्यूरेसी प्रिसीजन किया था, आज जो है वो नेक्स्ट है बिटवीन रन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, इसकी जो जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल विद इन रन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन जैसे ही प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसका प्रोटोकॉल थोड़ा सा डिफरेंट है। विद इन रन का मतलब ये था कि हमने एक दफा कैलिब्रेशन कर प्लॉट किया, और क्वालिटी कंट्रोल जो 4 लेवल्स थे क्वालिटी कंट्रोल के, हायर क्वालिटी कंट्रोल, मीडियम क्वालिटी कंट्रोल, लोअर क्वालिटी कंट्रोल और लो लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, उनके पांच पांच सैंपल बनाए, और उन सब सैंपल को एक ही दिन हमने रन कर लिया, और उनके जो भी पीक एरियाज वगैरह आए थे उनको हमने उनके थ्रू उनकी कंसंट्रेशन फाइंड की और फिर उसको कंपेयर किया। अभी जो बिटवीन रन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में क्या होता है कि जी फॉर द वैलिडेशन ऑफ द बिटवीन रन एक्यूरेसी, लो लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, लो मीडियम एंड हाई क्वालिटी कंट्रोल सैंपल फ्रॉम एटलीस्ट 3 रन्स एनालाइज्ड ऑन एटलीस्ट 2 डिफरेंट डेज शुड बी एवेल्युएटेड। यानी कम से कम 3 कैलिब्रेशन कर प्लॉट करने हैं हमने, और ये नहीं कि 3 एक ही दिन में करने हैं, मिनिमम 2 डिफरेंट डेज पे करने हैं। मे बी एक दिन में 2 रन प्लॉट कर लिए और दूसरे दिन जो है वो तीसरा जो है वो कैलिब्रेशन कर प्लॉट कर लिया। ठीक है, पहले कैलिब्रेशन कर्व के ऊपर 2 2 क्वालिटी कंट्रोल सैंपल्स का टेस्ट को चेक कर लिया, दूसरे के ऊपर भी 2 2 को कर लिया, तीसरे रन के ऊपर जो है वो 1 को कर लिया, तो 5 क्वालिटी कंट्रोल हो गए हमारे पास। अभी हम ये एक्सेल पे जाएंगे तो ये समझ आ जाएगी। इसका फिर क्राइटेरिया बिल्कुल वही है, मीन कंसंट्रेशन शुड बी विद इन प्लस माइनस 50% ऑफ द नॉर्मल वैल्यू नॉमिनल वैल्यूज फॉर क्यूसी सैंपल एक्सेप्ट फॉर द एलएलओक्यू, और प्रोसीजर में भी वही के कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन शुड नॉट एक्सीड 15% फॉर क्यूसी सैंपल एक्सेप्ट फॉर एलएलओक्यू। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं जरा एक्सेल की शीट पे। ये एक्सेल की शीट है, इसके ऊपर टोटल 5 रन्स हैं, ये रन 1 है, ये 2 है, 3, 4 और 5। ठीक है, उसके उसमें जो क्राइटेरिया में लिखा हुआ था कि एटलीस्ट 3 रन होने चाहिए, ये हमने 5 रन कर लिए। ठीक है, डे वन पे के डे वन पे 2 रन किए, डे टू पे 2 रन किए, डे थ्री पे तीसरा कैलिब्रेशन, चौथा पांचवा कैलिब्रेशन का प्लॉट किया, और हर एक के साथ हमने एक एक क्वालिटी कंट्रोल को चेक किया, सिर्फ एक एक की वैल्यू। यानी टोटल हमारे पास अभी ये क्वालिटी कंट्रोल की 1, 2, 3, 4 और 5 5 वैल्यूज हो गई। इन सबको फिर हमने इकट्ठा करना है और फिर उसके ऊपर दोबारा उसी तरह उनकी परसेंटेज जो है वो उसका वो देखते हैं हमने एक्यूरेसी और उसकी प्रोसीजर पे देखते हैं। तो इसमें मेरा करने वाला तो शायद कुछ नहीं है, चलें एक एक रन के ऊपर मैं करके देखता हूँ। इसको कैलिब्रेशन कर प्लॉट किया इसका, और इस तरह आ गई। अच्छा ये तो कल वाला ही है। अच्छा, यानी एम की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे और बी की वैल्यू है। एम क्या है? 1022272। बी क्या है? -189.6। और यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन पाउंड कैसे कैलकुलेट करनी है, इक्वल टू वाई, ये वाई की वैल्यू है जो पी के लिए था, माइनस बी डिवाइडेड बाय
सबको हम नीचे की तरह ले। और अब हम इनकी परसेंटेज देखनी है, परसेंटेज इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय ये एक रन की हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। ये लोअर क्वालिटी हाई क्वालिटी कंट्रोल बीडीएन, लोअर क्वालिटी कंट्रोल एलएलओ। इसी तरह हमने इसका नया रन नया कर प्लॉट करना है, ठीक है, और उस कर्व के थ्रू फिर उसकी जो है हमने आर स्क्वायर वैल्यू और उसकी इक्वेशन लेनी है और इसको फिर यूज करके हमने यहाँ पे नई वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जब ये पांचों की वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी फिर हमने एक टेबल बनाना है अलग से। सर वो अलाउ कर दे बच्चों, वो वेट कर रहे हैं जी। ओके उसके बाद फिर हमने इन सबको जो है वो अलग अलग से करके तो इनकी वो देखनी है कि एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है। उसके लिए फिर क्या करेंगे हम कि हाई क्वालिटी कंट्रोल उसके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रन उन सब की यहाँ पे हम ले लेंगे जो भी कंसंट्रेशन फाउंड है। फाउंड कंसंट्रेशन क्या है उसकी, ये कंसंट्रेशन फाउंड है हायर क्वालिटी कंट्रोल की, सॉरी 45.4 इसके अंदर आई थी, ठीक है। और परसेंटेज कर लो इसको एचक्यूसी, हायर क्वालिटी कंट्रोल, मीडियम क्वालिटी कंट्रोल, लोअर क्वालिटी कंट्रोल, एचक्यूसी पहले वाले में ये है इसी तरह बाकी सेकंड रन आपने कैलकुलेट करना है, थर्ड रन, फोर्थ रन और फिफ्थ रन, इन सबको कैलकुलेट करके फिर यहाँ पे आपने उनके क्या क्या कैलकुलेट करना है, नीचे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और साथ साथ इनकी परसेंटेजेस भी। यहाँ पे यहाँ पे इसकी परसेंटेज आ जाएगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे
यानी ये आ गया, तो इस यहाँ पे परसेंटेज कैसे आएगी इसकी, इक्वल टू अब इसमें हमने इसमें इस 50 को फिक्स करना है ना, डी 52 डिवाइडेड बाय, यानी ये इसको F4 प्रेस करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। अब इसको हम नीचे ड्रैग कर लेंगे ऐसे ही यहाँ तक, तो ये जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यूज ऐड होती जाएंगी, इसी तरह यहाँ पे। सर ये फिक्स कैसे किया आपने? मैं बताता हूँ, 25 इसमें से अगर हम इसको इसी तरह अगर इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये साथ फार्मूला भी इसमें देखें, F52 डिवाइडेड बाय F50 है, नीचे वाले में F53 को और 51 हो गया, 54 52 हो गया, तो इसमें हमने 50 जो है 50 वाली वैल्यू को फिक्स करना है ना, कि सबके अंदर यही वैल्यू यूज करेगा, तो इसके ऊपर कर्सर रख के यहाँ पे तो F4 प्रेस करें आप, F4 प्रेस किया तो ये $F$50 आ गया, यानी कि अब ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी फार्मूले में। आप अगर इसको कॉपी पेस्ट करें नीचे तो आप देखें, अब ये पहले वाले में 52/50, दूसरे में पहले वाला चेंज हो रहा है 53/50, 54/50, 55/50, 56/50। इसी तरह यहाँ पे आपने फार्मूला लगा के तो खुद ही फिक्स करना है उसको अब, ठीक है। तो सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है, पहले वाली एक मैंने कर दी है आपको, दूसरे जो सेकंड रन की वैल्यू, थर्ड की, फोर्थ की और फिफ्थ की, सबकी वैल्यूज आपने जो है वो बीबी स्टूडेंट वेटिंग में है। उसके बाद आपने ये वाला टेबल फिल करना है और इसमें फिर आपके पास हर लेवल का मीन जो उसकी आ जाएगी, कंसंट्रेशन फाउंड, मीन परसेंटेज फाउंड, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो कि आपने उसी तरह का टेबल बनाना है, तरह का ये टेबल था ये वाला। इसमें क्या है, मीन कंसंट्रेशन फाउंड प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन परसेंटेज फाउंड और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, चार वैल्यूज आएंगे जिस तरह ये फिल किया हुआ टेबल। ये बात ठीक है, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटेज फाउंड एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये आपने उसी तरह का एक और टेबल बिटवीन रन एक्यूरेसी और प्रेसिजन वाला फिल। इसमें भी सैंपल वही है सारे, क्वालिटी कंट्रोल सैंपल। चलिए जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक अगर है तो जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें ठीक है। इसको भी फिर आपने कैलकुलेशंस करके तो उसी तरह लाइनों वाले पेज पे इसका क्राइटेरिया लिखना है, प्रोटोकॉल लिखना है, और ब्लैंक पेज के ऊपर ये सारे जो रिजल्ट्स हैं इसको आपने प्रिंट आउट निकाल के तो वो वहाँ पे पेस्ट करने हैं, सबके ग्राफ लगा दें या ग्राफ कोई एक भी लगा दें तो ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट्स आपने, ये वाला जो टेबल है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला टेबल और एक फिर वो रिजल्ट्स का जिस तरह प्लस माइनस वो जो 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 मैंने पेश शो किया था वो वाला टेबल, तो ये दो टेबल आपने जरूर लगाने हैं, ठीक है जी। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है वो लेक्चर ट्यूसडे को है। यस सर, चलो फिर।